आज के वीडियो में हम जानेंगे वायरलेस पेन टेस्टिंग में यूज़ होने वाले बजट पोर्टेबल यूएसबी वायरलेस अडैप्टर के बारे में, जिसे आप काली लिनक्स, रेसबेरी पाई या अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो वायरलेस पेन टेस्टिंग के लिए एक ऐसा वाईफाई अडैप्टर बहुत ही ज़रूरी है जो कि मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता हो, पर हर कोई वाईफाई अडैप्टर ये सपोर्ट नहीं करता। तो सही अडैप्टर चूज़ करने के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और ऐसे वाईफाई अडैप्टर काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। पर आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एक्सटर्नल वायरलेस अडैप्टर के बारे में बताऊँगा जो पोर्टेबल होने के साथ साथ आपके बजट में भी आ जाएगा। मेरे पास एक्सटर्नल वाईफाई अडैप्टर के लिए कई ईमेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स और सवाल आते रहते हैं। वैसे मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यदि आपने एक क्यू एन ए वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने कुछ एक्सटर्नल वाईफाई अडैप्टर सजेस्ट किए थे, पर यहाँ भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप ये कमेंट देखिए, ये कमेंट अभी कुछ ही दिन पहले आया था। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई, मेरा टीपी लिंक WN722N वाईफाई अडैप्टर मॉनिटर मोड नहीं कर रहा। तो टीपी लिंक का WN722N वर्जन 1 एक बढ़िया ऑप्शन था, पर अभी मार्केट में इसका अपग्रेड वर्जन मिल रहा है जिसमें कि चिपसेट चेंज हो चुकी है, जिससे कि अभी यहाँ पर ये वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वैसे आप कैपेबल वायरलेस अडैप्टर की लिस्ट एक रैक की साइट पर भी देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको मार्केट में चल रहे बजट अडैप्टर्स की लिस्ट नहीं मिलेगी। जैसे कि देखिए, ये मेरे पास लियो एक्सिस का HG150N USB अडैप्टर है जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन या दूसरी ऑनलाइन साइट पर 650 से लेकर 750 के बीच में मिल जाएगा। आप इसकी बैक साइड पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं, ये जुलाई 2019 में ही बनाए, पर ये काफ़ी पुराना वायरलेस अडैप्टर है। इस बॉक्स में आपको अडैप्टर के साथ ड्राइवर की सीडी भी मिल जाती है, पर यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे रेसबियन, काली लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्लग एंड प्ले की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका ड्राइवर प्री इंस्टॉल मिल जाता है। आप इस अडैप्टर को सीधे कनेक्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। इसकी स्पीड करीब 150 Mbps तक की है। इसमें हाई गेन 3DVI रोटेबल एंटीना भी मिल जाता है जिसे आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। इसमें रालिंग टेक्नोलॉजी का RT5370 की चिपसेट लगी हुई है जो कि काली लिनक्स वाईफाई पेन टेस्टिंग के लिए पॉपुलर चिपसेट में से एक है। इसमें USB 2.0 इंटरफेस है जिसकी फ्रिक्वेंसी बैंड 2.4 GHz तक की है। ये 5 GHz को सपोर्ट नहीं करता। इसमें LED इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है। आप इसे विंडोज़, लिनक्स और macOS पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो इसको मैंने काली लिनक्स पर टेस्ट किया हुआ है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट कर रहा है। आप इस अडैप्टर को वाईफाई पेन टेस्टिंग में यूज़ करने के साथ साथ अपने नॉर्मल वाईफाई में इसको प्रयोग कर सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यह पोर्टेबल USB वायरलेस अडैप्टर है जो कि मात्र 19 ग्राम का ही है। तो आप इसे रेसबेरी पाई SBC जैसे कि रेसबेरी पाई 3, रेसबेरी पाई 4 या रेसबेरी पाई 0W पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेसबेरी पाई के लिए भी परफेक्ट डिवाइस है। आप इसे रेसबेरी पाई के रेसबियन OS या काली लिनक्स पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी पोर्टेबल पेन टेस्टिंग मशीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका काली लिनक्स पर डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, कि ये मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है या नहीं। ये देखिए, ये काली लिनक्स मेरे वर्चुअल मशीन पर रन है और यहाँ पर मैंने अपना USB वायरलेस अडैप्टर से कनेक्ट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने टर्मिनल पर टाइप किया LS USB और आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पर रालिंग टेक्नोलॉजी की RT5370 चिपसेट का वायरलेस अडैप्टर कनेक्ट है और आप इसको कनेक्ट करने के बाद सीधे प्रयोग में ले सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सीधे कनेक्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर इसका ड्राइवर प्री इंस्टॉल मिल जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पर मेरे आसपास की वाईफाई की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसे नॉर्मली वाईफाई में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इसमें मॉनिटर मोड इनेबल करते हैं। ये देखिए, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मोड अभी मैनेज्ड है। तो मैं यहाँ पर मॉनिटर मोड इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड लगाया airmon-ng स्टार्ट और हमारे वायरलेस इंटरफेस का नाम WLAN 0, ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर मॉनिटर मोड इनेबल हो चुका है। अभी हमारे इंटरफेस का नाम है WLAN 0 MON। हम इसे चेक कर लेते हैं। मैंने वापस से कमांड लगाया IW config और ये देखिए, अभी यहाँ पर मोड मॉनिटर हो चुका है। अभी हम यहाँ पर अपने आसपास के वाईफाई को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कमांड लगाया aerodump-ng और हमारे मॉनिटर मोड इंटरफेस का नाम WLAN 0 MON।
और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे आसपास के वाईफाई को मॉनिटर कर रहा है। आप यहाँ पर उनकी बिजनेस आईडी, उनका चैनल इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ईसीएस आईडी देख सकते हैं और इन वाईफाई से कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही हैं वो भी आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। आप यहाँ पर किसी वाईफाई पर डी ऑथेंटिकेट पैकेट्स भेज सकते हैं, हैंड से कैप्चर कर सकते हैं। इसको मैंने अलग अलग टूल से टेस्ट किया है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। पर इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि 5 GHz को सपोर्ट नहीं करता, जल्दी गर्म हो जाता है, चीप क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है। फिर भी यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसे बाई कर सकते हैं। ये काफ़ी चीप डिवाइस है जो कि आपके बजट में आसानी से आ जाएगा। वैसे इससे भी चीप प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं पर वो ड्यूरेबल नहीं है। वैसे ड्यूरेबिलिटी की गारंटी तो इसकी भी नहीं है पर ये उनसे काफ़ी ठीक है और ये 1 ईयर वारंटी के साथ भी आता है। ये पोर्टेबल डिवाइस है तो आप इसको रेसबेरी पाई के साथ भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रेसबेरी पाई के रेसबियन ओएस और कार लिनक्स में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप एक नया Q&A वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर मैं इसके लिए प्लानिंग करता हूँ। और जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाएँ। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड गुड बाय।